हमेशा अपनी तकदीर से तकदीर को बदलता आया है और आज भी ऐसा ही हो। मुबारक हो सेनापति जी, मैंने महाराज को खत्म कर दिया है। आपके और तख्त के दरमियान जो दीवार खड़ी थी मैंने उसे गिरा दिया है। शाबाश महाराज को तख्तोताज मुबारक हो। उठो 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 शेर उठो। बोलो महारानी को मार दिया? अरे बोलो दोनों राजकुमारों को खत्म कर दिया? हमें खुशखबरी सुनाओ, हम तुम्हारी झोली हीरे और जवाहरात से भरेंगे। धर्मपाल बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो। महारानी दोनों राजकुमारों को लेकर भाग गई। भाग गई? तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? जाओ महारानी और दोनों राजकुमारों को खत्म कर दो, जाओ। भगवान, ये हमारे वंश का निशान है, इसे मिटा न देना। जाओ बच्चों, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ले लो। अजीब है ये दुनिया और उससे भी अजीब है यहां के लोग।
देखो ना, भैरव ने जिसका नमक खाया उसको और उसकी औलाद को दौलत और राज के लिए खत्म कर दिया। इधर अपनी महारानी है जो बच्चे के लिए तरस रही है। महाराज के स्वर्गवास होते ही उनकी दुनिया लुट गई। महामंत्री, अगर फौरन ही महारानी ने किसी बच्चे को गोद न लिया और वो महाराज के गम को न भुला सकी तो मुझे डर है कि कहीं वो पागल न हो जाए। यही चिंता तो मुझे भी खा जा रही है। रियासत में मनादी करने के बावजूद अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मिल सका जो जो बड़ा होकर रियासत का वारिस बन सके। महामंत्री जी, क्या बात है? सरकार, एक बेहोश बच्चा मुझे तूफान में घिरी हुई किश्ती के अंदर मिला। उसके साथ कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं, लेकिन हुजूर, उसके चेहरे को देखने से लगता है जैसे कोई राजकुमार हो। राजकुमार, उसे यहाँ लाओ। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। भगवान के हाथ देर है, अंधेर नहीं है। महारानी, जरा इस मुस्कुराते हुए बालक की तरफ देखिए। भगवान ने आपकी खोई हुई मुस्कुराहट वापस देने के लिए इसे यहाँ भेजा है। ये मेरा बेटा बनेगा, मेरे स्वर्गवासी पति का नाम लेवा बनेगा। हाँ महारानी। मेरे पास आओगे? आओ बेटा, आओ। माँ। बेटा, मेरे लाल, तूने मुझे माँ कहा। मैं भागनी शब्द सुनने के लिए तरस गई। तू मुझे नई जिंदगी दी। फिर से एक बार माँ के माँ, मेरे लाल, झुक झुक। राजकुमार, तुम्हारी आज परीक्षा है, तुम्हें इसी निशाना बनाना है। अब उठाओ भाला और ये बताओ कि तुम्हें इसका कौन सा भाग चित्र दिखाई दे रहा है? उसकी आँख जिससे वो मुझे देख रहा है। तो फिर देखते क्या हो राजकुमार, निशाना लगाओ। निशान बता रहा है कि तू एक दिन कहीं का बहुत बड़ा राजा बन जाए। तो अभी क्या कुछ ज्यादा से कम हूँ? जा, तो शक्ति को पूरा कर ला। अभी रहे, ये ले। Thank you.
मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं, तो मेरे सामने इस राज का महाराज भैरव खड़े। हाँ नौजवान, हमारा ही नाम भैरव है, लेकिन लेकिन हमने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं आपके पड़ोस की रियासत शेरगढ़ का राजकुमार हूं। राजकुमार उदय सिंह जी? राजकुमार, राजकुमार, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमारी जान बचाई। लेकिन बेटी, आप जैसा बहादुर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मेरी समझ में कुछ नहीं आता मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। भैया, 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 आपको नहीं? मैं इस रियासत की राजकुमारी। राजकुमारी, राजकुमारी, भैया बात खुल गए, मांग लो जो कुछ मांगना है। बोलिए क्या चाहिए आपको? अगर जिंदगी की कोई कीमत हो सकती है तो दे दीजिए। मांगा भी तो क्या मांगा? भैया नहीं, तुम जाओ इन्हें राजमहल तक पहुंचा दो। नहीं भैया, मैं पहुंचाऊंगा। तुम नहीं, बसंती जाएगी। बसंती जाएगी? राजकुमारी बसंती जाएगी? भैया नहीं, भैया, भैया नहीं। धन्यवाद। बस अपना महल नहीं दिखाओगी? हाँ क्यों नहीं, आओ। है हमारा महल? बस बिल्कुल समझ लो, इंदर महाराज के महल के समान है। और तुम जब हंसती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ी झरना एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर उछल उछल कर बह रहा हो। तुम तो कविता सुनाने लगी। अरे अभी देखती जाओ, बहुत कुछ सुनाऊंगी। वैसे जिंदगी तो तुम बड़े लोगों की है, बस कसर है तो एक बात की। वो क्या? तुम लोग दिल के बहुत खोटे हो। बसंती आंखें ना दिखाओ, नहीं तो राम नाम सख्त कर दूंगी। हमारे भैया ने बचाया, मैं यहां तक छोड़ने आई, तुम मुझे बिना कुछ लिए दिए बाहर से ही डाल रही थी। यहां पर आकर भी टस से मस नहीं हुई। उतारो सारे जेवर। तुम मांगती तो मैं तुम्हें वैसे भी दे देती। तुम अमीर लोग बिना मांगे देना क्या जानो। ये गहना कपड़ा पहनकर मैं तुमसे भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। उतारो सारे जेवर, कान का, गले का, हाथ का, जल्दी उतारो। और किसी से कहा तो राम नाम सख्त कर दूंगी। ये तो तुमने अपने लिए लिया है, अपने भैया के लिए भी तो कुछ ले जाओ। तोगी तब ना। तुम ठहरो, मैं अभी लेकर आती हूँ। जाओ, लेकिन किसी को आवाज दिया तो राम नाम सत कर दोगी, यही ना? हाँ। बसंती कहाँ चली गई? बसंती, बसंती, बसंती! पिताजी, हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। पिताजी, एक बहादुर और शरीफ आदमी ने आकर मेरी जान बचाई, और आपको सुनकर ताजुब होगा कि उन्होंने थोड़ी ही देर में उसे मार डाला। और तुम्हें भी ये सुनकर ताजुब होगा
कि एक बहादुर ने हमारे बेकाबू घोड़ों को इस तरह से काबू में कर लिया जैसे कि वो शाही अस्तबल के घोड़े न हो बल्कि धोबी के गधे हों। और वो शख्स कोई गैर नहीं, रियासत शेरगढ़ का राजकुमार है। बस मैंने खंजर खींच लिया और कहा उतार दो सारे जेवर, नहीं तो राम नाम सत कर दूंगी। जाबा तेरा ये राम नाम सत जरा दूर से करना है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, भीगी बिल्ली की तरह उतार दिए सारे जेवर और मैं लेकर उड़न छू हो गई। अरे वाह 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 वाह, अब भैया किसी को बचाएगा ना तो मैं छोड़ने जाऊंगा। बस बंद कर, इसे डांटने के बदले इसकी हिम्मत बढ़ा रहा है। उतार जेवर, भैया शर्म नहीं आती, एहसान की कीमत चाहती हो, उतार जेवर जल्दी कर। और फिर कभी ऐसा काम किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, और मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। चली थी अपने अपने कारनामे की तारीफ करने, राम नाम सत कर। चुप है। हाँ, चुप रहता हूँ। हाँ, मुझे क्यों आके दिखाते हो यार, करे कोई भरे कोई, मैं तो चला। तुम कहाँ चले? हाँ, मैं मेरे साथ चला। बिल्कुल बिल्कुल। तूफान में कभी तिनके को उड़ते हुए देखा है? देखा तो है। बारिश में कभी बिजली को गिरते हुए देखा है? देखा तो है। बस वो तूफान बनकर आए और उसे तिनके की तरह उड़ा दिया। ऐसा? हाँ, और फिर बिजली बनकर गिरे और उसे मिटा कर रख दिया। ऐसा? ऐसा का क्या मतलब है? ऐसा का मतलब है कि जब कोई हसीन कुंवारी लड़की किसी मर्द की तारीफ ठंडी आहें भर के करे तो ऐसा का मतलब जरा वैसा हो जाता है। लेकिन ऐसा वैसा वाली कोई बात नहीं है। ऐसा? अगर तुम भी देखो तो देखते ही रह जाओ। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मर्द का हुस्न नूर के सांचे में ढाल दिया हो और उसके साथ वे शरीफ भी बहुत है। उसी की तो बहन है ना जो सीने पर खंजर रख के सारे जेवर लेके उड़नचू हो गई। बहन के जुर्म का भाई कैसे जिम्मेदार हो सकता है? आपने क्या है मुझसे पूछा? आप नहीं, ये तो पत्थर की मूर्ति क्या बोलेगी? भगवान तूने मेरी सुन लिया? ये हाँ, ये ठीक है। क्या है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत। छोड़ो मेरा हाथ। तो पांव पकड़ लो। नहीं। अरे मगर कहाँ चली मेरी फुलझड़ी? मेरा नाम फूल की झड़ी नहीं, बेला है, बेला, समझे? ये तो बहुत अच्छा है, तेरा नाम बेला, मेरा नाम अलबेला, जिंदगी में अब तक था अकेला। चलो कहीं चल के देखे जिंदगी का मेला। मुझे नहीं देखना मेला खेला, रहने दो मुझे। पहरेदार अंदर नहाने दे। तो बड़ी खुशी हुई तुम आ गए, मेरे मन का भ्रम तो टूट गया। अगर तुम्हारी बहन रुक जाती तो मैं तुम्हारा ही नाम भी भिजवा देती। लो संभालो ये बख्शीश। मैं लेने नहीं देने आया। इसे तुम वापस कर रहे हो? हाँ, ये दौलत जेवर सोना चांदी सब अमीरों के लिए है, हम गरीबों के लिए केवल भगवान ही काफी है। सुनिए। कहिए। मेरे पास और भी बहुत से हैं, आप इसे उन्हें मेरी तरफ से दे दीजिएगा। हम गरीबों को यह जेवरात शोभा नहीं देते। देखिए बात यह है, आप इतनी दूर से आए हैं, कम से कम बैठिए तो सही। तो भैया 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 बैठे रहे तो हमेशा के लिए सुला दिए जाओगे। हाँ नहीं तो नमस्ते जी। भैया बड़ी बड़ी तलवारें लेकर यमदूत के शागिर्द आ रहे हैं, भाग चलो भाग। अरे डरता क्यों, डरता तो है। जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। मुझे भी कहीं ना जाने की आवाज ना, तो चाहता हूँ इधर ये इधर आप। परदेसी, परदेसी का बच्चा।
मैं तो चंदी के कौन हो सुंदरी? तुम्हारे चचा जान। आइए चची जान, आइए। मेरा बच्चा पत्ता है। मेरी जान बचाई थी। सच? हाँ, और देखो उनकी शराफत का सबूत, सारे जेवर वापस करने आए थे। तब तो वो जरूर शरीफ है, लेकिन ये सौदा घाटे का रहा राजकुमारी। ऐसा? हाँ, जेवर देकर जालिम हमारी राजकुमारी को ले गया अपने साथ। ऐसा? ऐसा का मतलब? ऐसा का मतलब जरा वैसा हो गया है। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अरे ये आवाज कहाँ से? के मुंह से और कहाँ से? नहीं नहीं भैया, मुझे कांटे में क्यों घसीटता है? एक काम करो, तुम भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा नाम लेकर पीछे जाता। अरे बस दिल कहीं का चल मेरे साथ। अरे नहीं भैया, अरे तुम तो मरोगे यार। ओ बाप रे, ओ बाप रे, ओ बाप रे, ओ बाप रे, ओ बाप रे।
क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं बहुत कुछ है भैया, शेर नहीं पर दो बकरियां हैं, खूबसूरत बकरियां। भैया 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 चलो चले। कहाँ? बकरियां देखने। बकरियां? बकरियां नहीं छोकरियां। राजकुमारी जी ओ मेरी वो चलो। राजकुमारी राजकुमारी अरे 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 मैं राजकुमारी के पास जा रही हूँ। हाँ तुम राजकुमारी के पास जा रही हो तो मैं भी तो तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अरे तुम तो सही कमाल करती हो। उधर देखो उधर देखो 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 तुम्हारी राजकुमारी मेरे पहलवान पर सवार होकर जा रही है। क्या? नहीं नहीं मेरा मतलब है कि पहलवान की गोद में जा रही है। तो पर राजकुमारी को क्या हो गया? घबराओ नहीं, राजकुमारी को वही हुआ है जो थोड़ी देर के बाद मुझे तुमसे होने वाला है, यानी कि प्यार मोहब्बत। छोड़ो बेला बेला जरा अपने अलबेला के हाथ पर लेट जाओ, मैं भी तुम्हें लेकर चलूं। नहीं नहीं तो कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन सुनो इधर उधर क्या है? बोलो ना इधर आओ ना बेटा, एक काम करो जरा जरा हाथ आगे करो। मैं नहीं करती। करो ना। नहीं करूंगी। करो ना। क्या है? बस रखो ऐसे नहीं। अरे कमाल है, ये भी नहीं और वो भी नहीं। अरे इस तरह करोगी इनकार तो कैसे होगा अपना ब्यौरा पार? हाँ नहीं तो आखिर तुम चाहते क्या हो? जो एक लड़का एक लड़की से चाहता है सिर्फ और सिर्फ शादी। पर मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पिताजी मेरी शादी किसी पहलवान और बहादुर आदमी के साथ करना चाहते हैं। तो तुम हमें क्या समझती हो? देखने का सिर्फ ये वनराज है ना, वनराज अपना शागिर्द शागिर्द अपना शागिर्द। अच्छा? हाँ हाँ सुबह शाम अपने पांव छू कर जाता है, पूछो उससे झूठ नहीं कहता। अच्छा, तू कल घर पे आ जा। सच? पता राजमहल के पीछे राजकेसरी की कोठी। राजमहल के पीछे राजकेसरी? बात मुझे बताइए वो राजकेसरी तुम्हारा कौन है? तुम्हारा कौन है? तुम्हारा कौन है? पिताजी। हाय पिताजी डर गए क्या? नहीं नहीं डर जिसमें डरने क्या बात है हम। अरे कुछ नहीं हम किसी से डरते वरते नहीं, लेकिन बात ये है क्या? मैं तो तुमसे मोहब्बत करने आ रहा हूँ, तुम्हारे बाप से कुश्ती लड़ने नहीं। पर पिताजी तो कल घर पे नहीं है। तो पहले क्यों नहीं बताया? नहीं तो इतना झटका मैं क्यों खाता, पहले बता देना था। अच्छा तो फिर मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। राजकुमारी मैं भी कैसा आदमी जो तुम्हें डरा बैठा। मस्ती में डोले जी यहाँ कैसा ये जादू?
किया जानू ना इतना बता दे सजना रे 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 हो वाले दूल्हा तैयार और ये तुरंत तुरंत माफ करना बंसी वाले तुरंत तो भूल ही गया था नहीं तो जय मुरली वाले की सजनी खोल की वाड़े तेरे साजन खड़े दुआरे ए सजनी खोल मर गए बाप रे आज तो पूरे फंसे हमें तो कहाँ रहा तुम हुजूर अभी आकर बताता हूँ भैरो हुजूर हुजूर वैसे ही थे क्योंकि उसने कहा था कि घर में कोई नहीं होगा पहलवान जी आदमी देख के तो मना कर हाथ का कचूंगर कर दिया ये देखिए नहीं क्या मतलब मतलब ये कि उसने कहा था कि घर में सिर्फ आप अकेले होंगे और कोई नहीं तुम झूठ बोलते हो झूठ बोलूंगा क्या मेरी आरती उठवानी है मुझे ये देखिए पेड़ा हार मैं तो शागिर्द बनने आया था पहलवान जी शागिर्द किसी के गले में
ये देखिए, आप आज्ञा कीजिए महाराज। तुम पहलवानी करोगे? मेरे बाप दादा भी यही किया करते थे। हाँ नहीं तो, अगर मैं आपको इस काबिल नजर नहीं आता तो मैं अपना मुंह काला करूं जाऊं? नहीं, लंगोट पहनो। अच्छा उस्ताद, हाँ, आज तुम मूड बहुत अच्छा है। बहुत उतारो कपड़े। कपड़े उस्ताद, आज लंगोट घर बुलाया हूँ, जाकर ले। मैं लेता हूँ लंगोट। आप लंगोट? जवाब नहीं, हर चीज घर में रखता है उस्ताद। ये लंगोट है या लुंगी? जाओ। कहाँ फंस गया? अरे ये तो मेरी जान लेके छोड़ेगा, ये काका काला है। अरे इसकी दाढ़ी। क्या बकते हो? कुछ नहीं पहलवान, काम दिखाने से पहले तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नाम ले रहा था। हाँ नहीं तो। बात काम, काम ज्यादा, झुक जाओ। झुकता हूँ पहलवान, बंसी वाले आज अच्छा फंसाया। शुरू हो जाओ। एक, दो, नहीं तो, तीन, पांच, छह, सात, आठ, उल्लू का पटा पहलवानी करेगा। रास्ते बच गए, वरना पूरे 420 करवाता। मैं काम पर गया आज। ये लौड़ जवानी, ये काफिर अदाएं, लगता है जैसे हमारे सामने परियों के देश की शहजादी खड़ी है। हमें दीवाना बनाकर तुम इस तरह नहीं जा सकती। सुनो, हम हाथ आई हुई चीज को इस तरह आसानी से नहीं छोड़ते। अगर आप आजाद होना चाहती हैं तो हमें अपनी गरम गरम सांसों का हकदार बना लीजिए। हम खुद कवाब पर निछावर करने के लिए बेचैन हैं। कौन हो तुम? देख लिया, ऐसी भी क्या जल्दी, रुको ना। छोड़ दो मुझे। नहीं, फिर से बोलो, क्या कह रहे थे तुम मुझसे? तुम वो नहीं हो जिसकी मुझे तलाश है। लेकिन तुम तो वही हो जिसे मैं ना जाने कितने जन्मों से ढूंढ रही थी। ये सब क्या बकवास है, जाने दो मुझे। सैया चाल बाजरे देख दबाव तो चला गया, चला गया देख दबाव तो चला गया। निकला सैया चाल बाजरे देख दबाव तो चला गया, चला गया देख दबाव तो चला गया।
जाने वाले हो। कातिल है ये अंदाज रे हराम, निकला सैया चाल बाज रे, देख दगाब तो चला गया चला गया, देख दगाब तो चला गया। सैया चाल बाज रे, देख दगाब तो चला गया चला गया, देख दगाब तो चला गया। हम तो बहुत पहले आपके हाथों से मारे जा चुके हैं। जानते हो तुम किससे बातें कर रहे हो? एक जादूगरनी से, जिसकी जादू भरी आंखों ने हमें दीवाना बना रखा है। बदतमीज, हट जा मेरे रास्ते से। हम आपके ऊपर निगार होने के लिए आए हैं, हटने के लिए नहीं। बचाओ, बचाओ! Thank you.
निकाल देगा। तुम दोनों में झगड़ा किस बात का है? माताजी, माताजी, दरअसल झगड़ा तीन बातों पर होता है, स्वर, जमीन और विवाह से। वो आपके सामने, मैंने आपको पहले इस बस्ती में कभी नहीं देखा। मैं यहाँ दो रोज पहले ही आई हूँ। भैया तुम माता जी की कुटिया जाकर देख लो, मैं राजकुमार जी को महल छोड़ कर आता। नहीं, मैं इन्हें छोड़ के आता। नहीं 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 नहीं, भैया मैं हरगिज तुमको ऐसा घटिया काम करने नहीं दूंगा। हाँ नहीं तो तुम जाकर माता जी की कुटिया देख लो और मैं पिताजी को छोड़ने जाता हूँ। मेरा मतलब राजकुमार जी को। मेरा नाम वनराज है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहिएगा। बेटा आज मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे पहले कई बार देख चुकी हूं। खत्म खत्म, लेकिन किधर से शुरू करूं? इधर से। कौन? बेला तुम? मेरे दिल की कली, मेरे आंखों की फूलझड़ी, आंसुओं की लड़ी। अरे दिल लेकर क्यों करती है अड़ी पराड़ी? क्या हुआ? क्या हुआ ये मुझे? क्या हुआ क्या पता, जाने क्यों मचल रहा है आज दिल मेरा। अरे अरे जरा मेरे दिल में झांक कर देख, तेरे न आने के गम में ये जलकर मेरे रंग से भी ज्यादा काला हो गया है। मैं क्या करती, पिताजी ने नहीं आने दिया। ये दड़ियल पिताजी हर बात में बीच में आ जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन अब जरूर आना। चलो खा ले खाना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। पूरी। अरे, अरे अभी तक खाना नहीं शुरू किया? जी नहीं, मैं जरा देवी की पूजा कर रहा था। अच्छा लो ये संभालो, अपनी बहन को दे देना। बहुत अच्छा। अच्छा तो मैं अब शुरू करता हूँ। हाँ हाँ शुरू करो। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। कौन है भाई? महाराज आ रहे हैं। महाराज आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं। उधर से कहाँ जा रहे हो? वहाँ से तो महाराज आ रहे हैं। तो फिर पता ना कहाँ से जाओ? ना तो कोई रास्ता नहीं। कमाने कोई रास्ता नहीं। उस मेज के नीचे छुप जाओ। उस मेज के नीचे? मगर इस खाने का क्या होगा? हम और बिला खाएंगे, जल्दी छुपो, जाओ ना। हाँ ठहर जाओ ना, मैं वहाँ खाता भी रहूंगा और छुपता भी रहूंगा। जाओ। बेटी हम तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आए। पिताजी इस वक्त बड़ी भूख लगी है, फिर कभी बात कर लेंगे। मेरी बात यह है कि वो शेरगढ़ के महारानी जो है ना, वो तुम ये पिताजी जिन्होंने मुझे बचाया था उनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। राजकुमारी नीचों को ज्यादा मुंह मत लगाओ, खबरदार अगर तुमने यहाँ दोबारा आने की कोशिश की तो खाल खींच लूंगा। पिताजी खामोश जाओ। दरअसल महाराज आज शुरुआत ही गलत हुई थी। राजकुमारी भगवान न जाने किसका मुंह देखा था, आज दिन भर भूखा रह गया। हाँ नहीं तो महाराज नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगा, भगवान कसम नहीं आऊंगा महाराज। सुनो ना, ये महाराज की आवाज पतली कैसे हो गई? तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा ना हुआ। शुक्रिया शुक्रिया। महाराज का स्वभाव ही कुछ खराब है। वैसे स्वभाव भी मेरा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तो भूख से मारा गया। अच्छा महिला चलता हूँ। नहीं बिना कुछ खाए मैं नहीं जाने दूंगी। अच्छा तो बुलाओ महाराज को, खिलाओ 10-15 जूते, दिल ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। जूते क्यों जी, मैं तुम्हें हलवा पूरी खिलाऊंगी। चलो घर। नहीं घर नहीं, घर नहीं, वो तेरा दाढ़ी वाला मोटा मोटा बाप वो दंड बैठा के माँ मुझसे नहीं होगा। पिताजी घर पे नहीं है, बाहर गए हैं। चलो बाहर गए, कब आएंगे? यही कुछ 2-4 दिन में। बस एहसान का बदला हीरे और जोहरा देकर चुका दो। जिंदगी की कीमत दौलत नहीं हो सकती, और इज्जत की कीमत जिंदगी देकर भी नहीं चुकाई जा सकती। तुम उन लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दो, राज केसरी हमारी इज्जत आज दांव पर लगी हुई है। राजकुमारी की भीलों से बढ़ती हुई दिलचस्पी हमें परेशान कर रही है। गुलाम को हुक्म दीजिए। तुम जिस काम के लिए आज जा रहे थे वहां मत जाओ, कल राजकुमारी का पीछा करो और उस गुस्ताख जंगली को गिरफ्तार करके हमारे हजूर में पेश करो। जो हुक्म।
अरे बेला, तुम नहीं जानती कि तुम्हारा ये अलबेला तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। सर? और नहीं तो क्या झूठ, यकीन ना हो तो कान लगाकर सुन लो, मेरा दिल हर वक्त कहता रहता है बेला 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 बेला। अच्छा बेला। सुने तो सुनो, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। तुम्हारा नाम ले लेकर बेचारे का गला बैठ गया होगा, जरा नजदीक से सुनो, सुनाई देगा। बेला, बेला। हाँ, सुनाई दे रहा है। दे रहा है ना? आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, जरा और नजदीक आ जाओ, जोर से सुनाई देगा, आ जाओ। बेला बेला बेला, मर गया अलबेला। बड़े जोर से बोला। अरे ये कमबख्त नहीं बोला है, ये तेरा बाप बोला है। बाप, मैं क्या करूं? ए माँ, बेला। आए पिताजी, अब क्या होगा? कहाँ पहलवानों के चक्कर में फंस गया हूँ मैं भी। ये साड़ी पहन लो और हाँ, चक्की के पास बैठ के गेहूँ पीसना शुरू करो। गेहूँ? जल्दी करो। साड़ी, ये पहनते कैसे हैं? आप कैसे आ गए? महाराज ने मना कर दिया। पिताजी, आपके कमरे में बिस्तर लगा हुआ है, आप जाके सो जाइए। नींद नहीं आती है। तो संख्या खाकर सो जाओ। ये कौन है? चाची, ये मोहल्ले वाली चाची है, आटा पीसने आई है। अच्छा अच्छा, चाची पीसो, आओ बेटी चौसर खेलें। मर गए। जी, मैं मदद करूं? अरे ना बेटा ना, तुम तकलीफ ना करो, नहीं तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगी। अरे मैं तो इसी काम के लिए यहाँ आई थी। अच्छा अच्छा, पीसो चाची पीसो। अरे बेटा, तुम्हें नींद नहीं आती? नहीं। इतनी देर न जाकर करो मेरे लाल, जाकर लेटो और सोने की कोशिश करो। नहीं, हम खेलेंगे, तुम पीसो। अच्छा बेटा अच्छा। सिंगादर की औलाद को नींद भी नहीं आती, पूछते पूछते इस बुढ़ापे में कमर का कमरा हो गया है। ये गम और ये आटा और इसमें बहुत बड़ा घाटा। ये आटा अब फिर कभी नहीं आऊंगा ना मेरे माँ, नहीं आऊंगा। नींद आती है तो फिर जल्दी चलिए पिताजी, आप सो जाइए। सुनो सुनो तो। नहीं सुनो, कभी नहीं। अरे बिल्कुल नहीं सुनो। आते ना अरे ये क्या हाल बना रखा है अलबेला? बबूत लगा कर, बबूत, संन्यास लेने का इरादा है बंधु। हाँ नहीं तो अरे हाँ, कल रात तुम कहाँ रह गए? अपनी मैयत उठवाने गया था, आपको कोई इतराज है बंधु? मैं बताऊं भैया, मार पड़ी होगी, बेहोश पड़े होंगे रात भर। अरे नहीं बहना नहीं, रात भर आटा पीस पीस कर बंदे का बुरकस निकल गया। हाँ नहीं तो आखिर ये चक्कर क्या है? अरे भैया, ये सब चक्कर तकदीर का है, तकदीर का। प्रीत ने कैसी रीत बनाई, हाँ नहीं तो मजनू की तकदीर में कांटा और उस बंदे की तकदीर में आटा। पीस 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 कर, पीस कर, कचूमर निकल गया है। मेरी किस्मत पर रोने की बजाय हंस रही हो? अच्छा ठीक है, जो कुछ राजकुमारी ने मुझे तुम्हें देने के लिए दिया था वो अब तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ नहीं, क्या दिया राजकुमारी ने? बताओ ना, बताओ ना। नहीं नहीं, और हंसो हंसो हंसो, बताओ ना। फिर मैं रोती हूँ। रो, 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 रो,
मत रो, मत रो, मत रो। मुझे अब संतोष हो गया कि मेरी हालत पर बेसुरा रोने वाला कोई तो है। शाबाश। ये ले। अरे बस करो, चलो हटो, चलो जाओ यहाँ से। कमाल है, ये दाढ़ी वाला तो शुरू हो जाता है। हाँ नहीं तो है। अरे अलविदा, ये राजकुमारी ने बसंती के लिए क्या भेजा है? भैया सच कहता हूँ, अपने सर की कसम, अपने सर की कसम, मैंने लिया नहीं है, राजकुमारी ने जबरदस्ती दिया है। कुछ अच्छे अच्छे गहने, कुछ रेशमी कपड़े, कुछ हार, कुछ फूल, कुछ। भैया मैं कैसी लगती हूँ? बिल्कुल किसी रियासत की राजकुमारी लगती हो। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। राजकुमारी, राजकुमारी, तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है कि दीवाना हो गया। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। ये हुस्न तेरा खिलता हुआ ऐसा गुलाब है। ये हुस्न तेरा खिलता हुआ ऐसा गुलाब है। आंखें तेरी हसीन कमल का शबाब है। तू लाजवाब है, वो खुश नसीब है तेरी महफिल में जो गया। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। जिसको समझा तू एक ऐसा राज है। कोई ना जिसको समझा तू एक ऐसा राज है। मुझको भी आज अपने मुकद्दर पे नाज है। तू दिल नवाज है, आशिक हूँ तेरी जुल्फ के साए में सो गया। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। Thank you.
दामन छुड़ा के जाओ ना इतने गुरूर से, दामन छुड़ा के जाओ ना इतने गुरूर से, क्या है कसूर पूछते हैं हम हुजूर से, देखो ना दूर से कर दो खत्म आप जो होना था हो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया, दुनिया ये कह रही है कि दीवाना हो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। हसीना, हम आपसे आपकी भीख मांगते हैं। राजकुमारी, आपने अपने पुजारी की प्रार्थना सुनी, आपकी सूरत देखने के लिए बेचैन है, बस एक झलक दिखा दीजिए और न तड़पाइए, सब्र का पैमाना भर चुका है। तुम्हें मुझसे मजाक करने की हिम्मत कैसे पड़ी? ये मजाक नहीं है राजकुमार, मेरे दिल में झांक कर देखो, वहां सिर्फ तुम ही तुम दिखाई दोगे। लेकिन हम तुमसे प्यार नहीं करते। एक दिन करना होगा। वह दिन कभी नहीं आएगा। आएगा और जरूर आएगा। कदम रुक क्यों गए? मुझे बस्ती में जाते शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे? यही कि अपने जाने वाले से मिलने आई है राजकुमारी। झूठ! आए हाय रे तुम्हारे नखरे, दिल पर हाथ रख के बोलो देखो कि मैं झूठ बोलती हूँ। बिल्कुल झूठ। अच्छा झूठ, तो चलो वापस चलो। अब क्यों रुक गई? ज्यादा अदाएं ना दिखाओ, तू भी तो अपने कल्लूराम से मिलने के लिए बेचैन है। देखो जी, कल्लूराम ना कहो, सूरत साली है तो क्या हुआ, अरे दिल तो साफ है। हाय हाय, बहुत बुरा लग गया देवी जी को। अच्छा बाबा जाओ, अपने उनसे मिल लेना और मेरे उनको भेज देना। अच्छा। ओ बाबा, तुम राम राम। सुनो सुनो ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, राम राम। मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? हाँ भूल तुमसे नहीं, भूल तो मुझे उल्लू के पट्टे से हुई है। राम राम। पहले मेरी बात तो सुनो। बहुत परेशान कर रही हो, सुनो सुनो सुनो। कल आओगे? क्या कहा कल? राम राम। खैरो, आटा खत्म हो गया है क्या? ऐसी बात नहीं है जी। कैसी बात है जी? आजी 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 आजी, कल पिताजी घर पे नहीं। ये लालच किसी और उल्लू के पट्टे को देना, ये जवान अब फंसने का नहीं, समझे ना? अरे पर सुनो, मैं कुछ सुनता नहीं। महिला, राम 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 राम। हाँ नहीं तो बस, जरा सा आटा पीसने में हिम्मत हार गए? कहाँ चला गया तुम्हारा प्यार? बोलो जाओ ना, बोलो, मैं भी नहीं बोलूंगी। मेरे दिल का दर्द समझने वाला कौन है? मेरा बाप मेरी शादी कहीं और कर देगा, मैं कर लूंगी। मत रो मत रो, मत रो, मुझे भी रोना आता है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसा होने से पहले मैं उस मोटे को जो गलती से तेरा बाप है मार मार के कुत्ता बना दूंगा। क्या? छी छी, कुत्ता नहीं कुत्ता नहीं, गधा बनाऊंगा गधा। किसको धोबी का गधा बनाओगे? बेला के बाप को। तुम तो जानते हो कि मेरा गुस्सा कितना खराब है, नहीं कितना खराब है, इसलिए मुझे रोको मत, मुझे रोको मत, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। तुम्हारी वो बुला रही, जाओ ना। ये बचाओ बचाओ की आदत बहुत खराब है,
मैं नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, वो खुद ब खुद आएगी। हाँ ठीक है, तुम नहीं जाते तो मत जाओ, मगर मैं जाता हूँ। उधर क्या देख रही है? अल्लाह भाई साहब, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, मैं तुमसे जबरदस्ती शादी करूंगा। राजकुमारी को हाथ लगाता है।
क्या कर रहे हो भैया? मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ। राजकुमारी अकेली है, तुम इनका ख्याल करो। तुम यही करो, मैं अभी आता हूँ। मुझे जल्दी छोड़ा, इसके होश में आने पहुँचना चाहती हूँ। महाराज को शायद हम दोनों के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है, जल्दी चलो। तुम चिंता न करो, बेला कहाँ है उसको तो बुला लें। नहीं, वक्त बहुत कम है, वो बाद में आ जाएगी, जल्दी चलो। चलो ना। वो तेरा छुप छुप के चले आना, मेरा झटपट से मचल जाना। वो तेरा इस दिल से गजब ढाना, मेरी आँखों में उतर जाना। हाय राम कसम इस दिल में मैं बड़ा मजा आएगा। वो तेरा छुप छुप के चले आना, वो तेरा इस दिल से गजब ढाना। कबूतर घूम 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 घूम, मेरे प्यार का भोल कबूतर घूम घूम घूम। और किसी को देना चक्कर यूं 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 यूं, और किसी को देना चक्कर यूं यूं यूं। अच्छा नहीं दिल को जलाना, होए हाय हाय हाय। मुश्किल है बात बनाना, चमेली छोड़ दे अब तड़पाना। वो तेरा इस दिल पे गजब ढाना, मेरी आँखों में उतर जाना। वो तेरा छुप छुप के चले आना, मेरा झटपट से मचल जाना। राम कसम इस दिल में मैं बड़ा मजा आएगा। वो तेरा छुप छुप के चले आना, वो तेरा इस दिल पे गजब ढाना। कर ले अब हम पक्की, चल 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 शादी कर ले अब हम पक्की, ओ चल ओ चल ओ चल। बाबुल से तू कर ले नक्की, चल 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 चल। बाबुल से तू कर ले नक्की, चल चल चल। गर उसने कहा ना माना, हाय 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 होय होय। मैं छोड़ू सारा जमाना, देख रंगीली बदल गई तो जहर पड़ेगा खाना। हो तेरा इस दिल पे गजब ढाना, मेरी आँखों में उतर जाना। राम कसम इस दिल में मैं बड़ा मजा आएगा। हो तेरा छुप छुप के चले आना, हो तेरा इस दिल पे गजब ढाना। समझाया था, भैया से लड़ाई नहीं हुई, एक दूसरे आदमी ने मारा है, भैया ने उससे इनका बदला लिया है। अच्छा पानी। अच्छा बेटे तू नहीं उतर, मैं पानी ले आती हूँ। अच्छा
मामी अंकल का इसे पहुंच गए। ये लेकर आई है। अब तबीयत कैसी है बेटा? ओह, माफ करना सरकार, अनजाने में मुंह से बेटा निकल गया। इसमें माफी मांगने की क्या बात है, आप तो हमारी माँ के बराबर है। माँ? हाँ माँ, आपने जो एहसान हम पर किया है हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते। आपके लिए हमारे महल के दरवाजे हमेशा खुले हैं, आपको जब भी जरूरत पड़े हम जरूर याद कीजिए। अजी, याद कैसे नहीं रखेंगे, क्यों ना आपकी बार पौने दो मन क्यों पीसना पड़े। लेकिन एक काम करना है, चक्की में जरा तेल डाल देना, क्योंकि मामला आसान रहे और काम फटाफट हो जाए। लेकिन जल्दी चलो, देर हो रही है। अरे चलो ना। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये अब देर नहीं लगेगी। उदय, उदय। राम नाम सत होगा, हाँ नहीं तो चलो भागे। हेलो, तू इस बदमाश के साथ क्या कर रही थी? ओ बाप रे, हुजूर ये मुझसे प्यार कर रही थी और मैं इससे मोहब्बत करने की कोशिश कर रहा था, हाँ नहीं तो चुप, मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं नहीं नहीं, पिताजी अगर आप इन्हें मार डालेंगे ना तो मैं भी खुदकुशी कर लूंगी। हाँ, ये सब कहती कर लेगी खुदकुशी। पिताजी आप नहीं जानते, हाँ। ये बहुत बहादुर आदमी है। ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तेरा इम्तिहान लूंगा। महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो? महाराज, राजकुमारी का रथ महल की तरफ आ रहा है। राज्य श्री जरूर पकड़ के लाया होगा उस जंगली को। चलिए। दुश्मन खुद हमारे चाल में आ गया है, जाओ उसे गिरफ्तार करो, जाओ। Thank you.
के लिए तैयार। अरे पहलवान, बलि चढ़ाने से पहले बकरे को भी तिलक लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। क्या मैं बकरे से भी गया गुजरा हूँ? बेला 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 बेला, चाचा तेरे बाप को समझा, कहीं उसका निशाना गलत हो गया ना तो मैं कुआं रही मर जाऊंगा। अरे जाओ, हाँ नहीं तो नहीं नहीं करती। हाँ अजीब इश्क है, जानो कर रही है, यहाँ जान के लाले पड़ वाले। क्यों अपने बालक को कुवारा मार रहा? हाँ नहीं तो होशियार, अगर भागे तो जान से मार दूंगा। आ, वो तो तुमने वैसे ही मार दिया है। तैयार। अच्छा, हे केवनहार। बहादुरो अलबेला, ओ अलबेले अलबेले अलबे अलबेला, ओ अलबेले अलबेले, आंखें खोलो, होश में आओ। अलबेले तुम बहादुर हो, पिताजी तुमसे बहुत खुश है। अलबेले पिताजी खुश है? किधर है पिताजी? पिताजी किधर है? क्यों पहलवान जी, दिखा दिया मैं कमाल? तुम बहादुर हो, हम खुश हुए। राजकेसरी, आपको महाराज ने जल्दी बुलाया है। क्यों? वनराज गिरफ्तार हो गया। अच्छा चलो। जंगल के आवारा कुत्ते, तेरी ये मजाल जो राजकुमारी की तरफ आंख उठाकर देखे, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। फिर भी तुम मेरे दिल से उनकी तस्वीर नहीं निकाल सकते। मैं तुम्हें चाल से मार दूंगा। तुम शरीर को मिटा सकते हो, परंतु आत्मा को नहीं, जो राजकुमारी को चाहती है। महाराज, मुझे अपना हिसाब चुकता करना है। करो, जरूर करो। ऐसा चुपता करो कि कोई हिसाब बाकी ना रहे। जब ये होश में आए हमें खबर दो। कहां जा रही हो? वापस जाओ अपने कमरे में। राजकुमारी, हम कहते हैं अपने कमरे में वापस चली आओ। हमें यह जानने की कोई जरूरत नहीं तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। पिताजी, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए पिताजी। चुप रहो, तुम्हें उसे भूलना होगा, वो हमारा दुश्मन है। तुम जिंदगी के दो रुख हो जो कभी आपस में मिल नहीं सकते। हम जिंदगी के दो रुख नहीं है, एक दूसरे की जिंदगी है, हम मरकर भी जुदा नहीं हो सकते। खामोश बेशर्म बेहया गुस्ताख लड़की, बाहर के सामने मुंह खोलती। जिस मृगजल की तलाश में तू भटकना चाहती वो तेरे पास कभी नहीं आ सकता, और हम उसे तेरे ख्यालों की दुनिया से भी परे फेंकेंगे। पिताजी,
कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश की तो हमारे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। राजकुमारी के कमरे में कोई भी ना आने पाए और ना ही राजकुमारी इस कमरे से बाहर जाने पाए। कैसे हो गए? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि राजकुमारी और भैया की बात महाराज को मालूम हो गई है। हाँ नहीं तो अब क्या होगा? होगा क्या, हम सब मिलकर भैया को छुड़ाएंगे। जब तक उसकी बहन जिंदा है उस पर आंच ना आने देंगे। शाबाश। कौन हो तुम? जादूगरी का राम, कभी सांस कभी आवाज कभी प्याला कभी शराब कभी लड़कपन कभी शबाब। फिर पिला शराब दिखा शराब। ऐसे नहीं जनाब। क्या बात है प्रताप? ये सरफिरा जादूगरी का दावा कर रहा था। कर रहा था नहीं, कर रहा हूँ। इस पिटारे में क्या है कदरदान? देखो देखो, बार बार देखो, गौर से देखो। इसमें कुछ नहीं है पहलवान। है पहलवान, तुम्हारी आंखें कमजोर हैं। इस पिटारे में सब कुछ है, बोलो क्या चाहिए। शराब नहीं, शबाब। तेरे की बिना राग रागनी के शराब क्या और शबाब क्या? देखा और देखो, बार बार देखो, सोच समझ कर देखो। मेहरबान देखिए, कदरदान देखिए, नादान देखिए, सोच समझ कर देखिए, फिर से देखिए। लो पहलवान, पियो, तुम भी क्या याद करोगे, किसी होशियार मदारी से पाला पड़ा है। लो कदरदान, तुम भी उड़ो। देखिए जनाब, अब मैं आपको दिखाता हूँ शबाब शबाब। हाय, खैरियत खैरियत कदरदानों, अभी और बाकी। देखो
जब जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो आदमी अंधों की तरह सहारे के लिए बाहें फैलाता है। आज बिल्कुल वही हालत मुझे आपके दरवाजे पर ले आई है। ऐसे क्या बात हो गई? भैरों के आदमी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। तुम्हें? हाँ, और राजकुमारी ने मुझे आजादी दिलाई है। भैरों के आदमी जरूर अपनी बस्ती पर छापा मारेंगे। अगर आपको तकलीफ न हो तो राजकुमारी और बसंती को आप अपने पास रख लीजिए। इसमें तकलीफ नहीं, राहत है। बेटा, घर तुम्हारा है। तुम सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ अभागिन का घर फिर से आबाद हो गया। मेरी खोई हुई खुशियां मुझे वापस मिल गई। आपकी मोहब्बत और प्यार देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है अगर मेरी सगी माँ भी जिंदा होती तो वो भी इससे ज्यादा ना चाहती। अब तुम लोग यहीं माँ जी के पास ठहरो, मैं बस्ती में जाता हूँ। चलो अलविदा।
क्या हुआ? माँ जी तुम्हारी सगी माँ है। क्या? हाँ सच भैया, जो निशान तुम्हारे बाजू पर है बिल्कुल वही निशान उनके पास है। उन्होंने बताया है कि उनके दोनों बेटे बचपन में बिछड़ गए थे। सच? माँ भैया, इस मिलने की खुशी में गाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे। आजा फिर। ताकती नादिन, ताकती नादिन, ताकती नादिन। वरदान भैया, वरदान भैया, वरदान भाई, वरदान भैया। भैरों के सिपाही बस्ती करीब आ गए हैं। यहाँ खतरा है माँ, तुम राजकुमारी को लेकर चली जाओ। जी नहीं चाहता, तुम्हें अकेले कैसे छोड़ू? तुम मेरी फिक्र मत करो माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हाँ जाओ, तुम जल्दी चली जाओ। अलबेला तुम इन लोगों के साथ जाओ। आइए माता जी, तुम जल्दी जाओ। माता जी चलो, चलिए माता जी, चलिए जाओ, जाओ जल्दी। आइए माता जी, आइए जल्दी, चलिए आगे बढ़ो। अगर जान की सलामती चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो। वनराज तुम्हारे हाथों गिरफ्तार होने के बदले मौत को ज्यादा पसंद करेगा। आगे बढ़ो, चलो।
नहीं कर दोगे तो सारी बस्ती को आग लगा देंगे। सोचो, बच्चे, बुड्ढे, औरतें, सबको जलाकर खाक कर देंगे सिर्फ तुम्हारे लिए। अभी भी सोच लो, वक्त है। मशालें फेंक कर सारी बस्ती को जला दो। ठहरो, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। ले चलो। ये भैया तो गिरफ्तार हो गए। भगवान, अब क्या होगा? मैं क्या करूं? अब माताजी, 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 भैरव के सिपाहियों ने वनराज को गिरफ्तार कर लिया। ये सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई? 25 साल बाद मुझे अपना बेटा मिला था, उस कपट ने फिर मुझे उनसे जुदा कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन माताजी, आप करेंगे भी क्या? मैं राजकुमार के पास जाकर फरियाद करूंगी। तुम राजकुमारी को पुराने मंदिर में ले जाकर छुपा दो, जाओ। लेकिन राजकुमारी है कहाँ? अंदर है। चलो बेटे। माँ जी, ये क्या हालत बना रखी है आपने? दो दिन भगवान दिखाए, वही देखना पड़ता है। आज मैं दुखियारी आपके पास फरियाद लेकर आई हूँ। किस जालिम ने सताया है आपको? यही बताने आई हूँ। याद है, एक दिन आपने कहा था तुम मेरी माँ के बराबर हो। हाँ हाँ, और आज भी कहता हूँ। निराशा के अंधेरे में आशा की एक जोत झिलमिलाई है, उसे बूझने से बचा लो। मुझ अभागिन के बेटे को उसने गिरफ्तार कर लिया है, उसे छुड़ा लो। कौन है वो? भैरव। भैरव महाराज? हाँ बेटा। बस इतनी सी बात के लिए आप इतनी परेशान हैं? जाइए, कल आपका बेटा आपके पास पहुंच जाएगा, ये मेरा वादा है। चुप चुप जियो बेटा। बिचारी, ठहरिए। कहिए। नाम तो बताती जाइए अपने बेटे का। वनराज। वनराज, वनराज तुम्हारा बेटा है? हाँ, इनके लड़के हैं। तो तुम वनराज को छुड़ाने आई हो? हाँ बेटा।
वो कभी आजाद नहीं होगा। उसे वही तड़प-तड़प कर मरना होगा। राजकुमार, तुम ये चाहती हो कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी आर्जुओं का गला घोट दूं? ऐसा ना कहो, आंख दिलाकर आंख में तोड़ो। मैं तुम्हारी होठों की मुस्कुराहट के लिए खुद जिंदगी भर नहीं रोना चाहता। अगर तुम राजकुमारी का पता बता दो तो उसे शादी करने के बाद मैं वनराज को छुड़ा दूंगा। उसकी जिंदगी के लिए मैं उसे उसकी जिंदगी से जुदा नहीं कर सकती। खामोश। उसे राजकुमारी की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले अपनी हैसियत देखनी चाहिए थी। भैया ने हाथ नहीं बढ़ाया, राजकुमारी ने हाथ बढ़ाया। ये दिल का सौदा बड़ा अजीब है राजकुमार, इसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मुझे समझने की जरूरत भी नहीं। तुम्हें यहाँ से जाने से पहले राजकुमारी का पता बताना ही होगा। तुम्हें ना के सिवा और कोई जवाब नहीं मिल सकता। ना को हाँ मैं करवाने की ताकत मुझ में है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी माँ कहाँ? नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। हम तुम्हारे जिस्म की बोटियां कटवाकर चील और कौवे को खिला देंगे। आजाद करके देखो किसकी बोटियां चील और कौवे खाते। इसको उस वक्त तक मारते जाओ जब तक ये बता ना दे कि इसका भाई और इसकी मां कहां है। जो अभी तो मैंने खाना बंद किया है, राजकुमारी का पता न बताया तो पानी भी तुम्हारे लिए जहर कर दूंगा। तुम्हारे दिल में जितना हौसला और अरमान बाकी है वो सब पूरा कर लो। खामोश रहो बुड्ढी, नहीं तो जबान खींच लूंगा। जीते रहो, तुम्हें तुम्हारे माँ ने इसीलिए जन्म दिया था कि एक बेसहारा को माँ कहो फिर उसे ठोकर से मारो, बेइज्जत करो। खामोश। ये निशान तुम्हें कहां मिला? क्या करेगा जानकर, तुझे तो इंसानी खून चाहिए। ले पी ले मेरा खून, मार कर मुझे। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बता दो, बता दो मुझे। इस निशान का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। इस निशान से ताल्लुक रखने वाला तू जैसा पापी और बेरहम नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोलता, ये देखो। ये निशान तेरे बाजू पर, तब तो तुम मेरा दूसरा बेटा है। नहीं मौत को छोड़, जिंदगी अपना ले। माँ और भाई का पता बता, हम तुमको आजाद कर देंगे। एक मखरम और गद्दार के सामने सर झुकाने से तो इज्जत की मौत मरना ही बेहतर है। काश मैं आजाद होता तो तुमसे अपने पिता का बदला लेता। हाँ, यही अरमान लेकर तुम इस दुनिया से चले जाओ। मौत के लिए तैयार हो जाओ सिपाहियों, अभी भी वक्त है। बोलो तुम्हारी मां और भाई कहां है? राजकुमार जी, ये ऐसे नहीं मरेगा। मैंने कसम खाई थी कि अपनी तलवार से इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी कसम पूरी करूं। हाँ, तुम लोग यहां से हट जाओ, राजकुमार को अपनी आरजू पूरी करने दो। आज फैसले का दिन आ गया है, हम अपने दुश्मन से बदला लेंगे। शाबाश। ये क्या किया राजकुमार? मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, क्योंकि दुश्मन ये नहीं तू है राजकुमार। हाँ हाँ तू है, हमारे बाप का कातिल नमक हराम
गद्दार, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये देख निशान। इससे क्या हो, इन दोनों को खत्म कर दो। मरोगे।
कितनी पिताजी, अभी भी वक्त है। महारानी के कदमों में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए। खामोश, ये बाजी हम जीत कर रहे। छोड़ दीजिए चलो। Yeah!